और डीजल अगर मार्च में, और आप खुद मान रहे हैं $18 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत आ गई, तो उस वक्त दाम क्या था? दाम क्यों नहीं घटे? स्कैम होता है, उगाही कितनी हुई जो स्कैम पहले हुए? मान लेते हैं मनमोहन सिंह सरकार में हुए, उसकी उगाही कितनी हुई? कितना पैसा आया कि हम 4 लाख रुपए कोरोना मौतों में देंगे, उसे वापस क्यों ले लिया? सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी। कोई वीडियो है? सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। इनके पास हर चीज का वीडियो आप होता है। मेरे सवाल का जवाब देंगे आरपी सिंह, चैनल पे झूठ चलवाएंगे। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आरपी सिंह? भले ही गोदी मीडिया के पत्रकार सरकार से सवाल ना करें, पर देश में कई पत्रकार हैं जो सरकार से अपनी डिबेट के जरिए सवाल कर रहे हैं। आज हम बात तो न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी की कर रहे हैं, और देखते हैं कि उनकी कुछ डिबेट्स जिनमें वे बीजेपी के नेताओं से सवाल कर रहे हैं। न्यूज 24 पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने पिछले साल कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद भी सरकार द्वारा टैक्स ना घटाए जाने को लेकर सवाल किया, जिस पर नेता सरकार द्वारा किए खर्च गिनाने लगे। प्रियंका ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा। आपने मार्च 2020 में $18 पर बैरल आपने माना कीमत थी, और अब वो $70 पर बैरल है। तो पिछले साल मार्च में आपने क्या किया? $18 के हिसाब से कीमत थी, या दरअसल मार्च में आपने एक्साइज एकमुश्त 10 रुपए बढ़ा दी, अप्रैल में फिर 3 रुपए, 13 रुपए और अतिरिक्त भार डाल दिया, तो कीमतों में कोई कमी नहीं हुई? संदीप जी, मैं केवल 2020 और 2021 की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ, इस वक्त इसको सुन लीजिए, इस वक्त जिस पैमाने पर 80 करोड़ लोगों को 6 महीने राशन दिए जा रहे हैं, इस वक्त उस पैमाने पर 50,000 करोड़ जो है फ्री वैक्सीनेशन में, क्योंकि राज्य सरकारों ने वहां भी अपने हाथ खड़े कर लिए। क्या मार्च 2020 में आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे थे? तुहिन अगर मार्च में, और आप खुद मान रहे हैं $18 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत आ गई, तो उस वक्त दाम क्या था? दाम क्यों नहीं घटे? उसका तो जवाब दीजिए ना तुहिन। न्यूज 24 पर ही ब्लैक मनी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने काला धन वापस लाने वाले बयान पर बीजेपी नेता को याद करवाया और सवाल किया, जिस पर नेता सरकार का बचाव करते नजर आए, पर एंकर ने ऐसा करने से रोका और आम जनता की परेशानियों पर जवाब देने को कहा। पर कितना काला धन वापस आया? आम आदमी अपनी सफेद कमाई निकाल रहा है पीएस से। आप इस पे देखिए, ये डिबेटेबल इशू है, वो कितना पैसा कहां से आया, सोर्स ना आप जानते हैं कि दूसरे अकाउंट से आया, आया नहीं आया, ये सारे तहकीकात जो है ये आप सरकार पे छोड़ दीजिए। इसलिए कि एक नंबर लेके नहीं, वो तहकीकात कब पूरी होगी ना, मैं जानता हूं अभी ये तो इसलिए इस पे आप नहीं, कितना काला धन आया है, कितने काले धन की उगाही की है सरकार ने 7 साल में। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अगर मैं आपको इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि इस सरकार के बारे में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि इसमें यहाँ कोई करप्शन होता है, कोई स्कैम होता है। उगाही कितनी हुई जो स्कैम पहले हुए? मान लेते हैं मनमोहन सिंह सरकार में हुए, उसकी उगाही कितनी हुई? कितना पैसा आया? अब ये नहीं, सरकार शुरू से इस कोशिश में है, चाहे स्कीम लेकर आती है या फिर जो दूसरे मुल्क के साथ जो आप जो भी समझौता करके आप जो कोशिश करते हैं, उसमें जितनी कामयाबी मिली है और आगे एफर्ट्स हमारी जारी है। न्यूज 24 पर कोरोना से मरने वालों को सरकार द्वारा मुआवजा ना देने के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से मुआवजा ना देने को लेकर सवाल किया, जिस पर बीजेपी नेता गोलमाल जवाब देने लगे। एंकर ने ऐसा करने से उन्हें रोका। आपने अभी अपने एग्जाम्पल में शुरुआत के इंट्रोडक्शन में आपकी जो फितरत है, आपने एग्जाम्पल दिया तमिलनाडु का, कर्नाटक का था, आज तक गुजरात का दिया, उत्तर प्रदेश का दिया, महाराष्ट्र में कितने लोग मर चुके हैं? हाँ, तो गलत हो रहा है ना, लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, ठीक है, चलिए माना आप 100-200 लोग। ये 14 मार्च को सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी कि हम 4 लाख रुपए कोरोना मौतों में देंगे, उसे वापस क्यों ले लिया? सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी लॉकडाउन से 10 दिन पहले, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी उनको। आप एक मिनट चुप हो जाइए, या तो आप सवाल पूछिए या जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ, जवाब देने के लिए आप हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है संदीप जी? कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अभी तो उनके पास गया भी नहीं, बनने का काम छोड़ दीजिए, अभी तक तो गया भी नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी तो आप ही से मुखातिब हूँ संजू। न्यूज 24 पर ही किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने एमएसपी को लेकर बीजेपी नेता से कुछ सवाल किए, जिस पर नेता इधर उधर की बात करने लगे। प्रियंका ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा।
पहली बात इन्होंने कहा मंडियां कौन सी बन गई, एमएसपी तय करने वाली सीएसीपी का दो साल से कोई अध्यक्ष क्यों नहीं है पूरे काले, चैनल पे झूठ पांच सदस्यों की जगह दो सदस्य क्यों है, सवाल मेरा ये कौन सा बीजेपी का विधायक था उसका कोई वीडियो है, सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे, इनके पास हर चीज का वीडियो होता है, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आरपी सिंह, चैनल पे झूठ चलवाएंगे, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आरपी सिंह। लगभग 44% धान में बढ़ोतरी हुई है, 44%, लगभग 48% गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, 60% दालों की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, कितना 60% एवरेज में 60 फिगर, आपको एक एक साल का डेटा फिगर ले आए आरपी सिंह, मैं डेटा भेज दूंगा आपको, मैं अरे क्या भेज देंगे, मैं बता रहा हूँ ना, भेजेंगे क्या, यहाँ पर सामने भेजे में है मेरे 1868 रुपए धान की 2013-14 के बदले में 2013-14 से ले आए। हम उम्मीद करेंगे कि संदीप आगे भी ऐसे ही जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और बीजेपी के नेताओं से इन मुद्दों पर सवाल करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।